नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ योगेश राणा। पूरे देश में कोरोना एक बार फिर चिंताजनक हालात में पहुंच गया है। ऐसे में यह बात दिमाग में आती है कि आजकल दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में क्या चल रहा है, क्योंकि मरकज पिछले इन दिनों में ही चर्चा में आया था। एक साल पहले दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात का मरकज उस वक्त सुर्खियों में आ गया था जब कोरोना के गंभीर काल में यहां पर एक धार्मिक सभा कर दी गई थी और इस सभा में देश विदेश के हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक FIR दर्ज की थी। पहले आप ये जान लें कि कितने लोगों पर केस दर्ज हुए थे और आज उन मुकदमों की स्थिति क्या है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने 955 विदेशी जमातियों के खिलाफ केस दर्ज किए थे। इनमें से 911 ने प्ली बार्गेन किया था और अपने अपने देश लौट गए थे। प्ली बार्गेन क्या है? दरअसल यह अभियोजक और अभियुक्त के बीच एक ऐसी व्यवस्था है, इसके तहत अभियुक्त किसी छोटे आरोप के लिए खुद को दोषी मान लेता है और इसके बदले बड़े आरोप या तो छोड़ दिए जाते हैं या उनमें उन्हें कठोर सजा नहीं दी जाती है। इन 911 के अलावा बाकी 44 विदेशी जमातियों ने मुकदमे का सामना करने का फैसला किया था। इनमें से 8 को प्रथम दृष्टा सबूत के अभाव में मुकदमा शुरू होने से पहले ही छुट्टी दे दी गई और बाकी 36 को अदालत ने बरी कर दिया। इसके अलावा दिल्ली में अलग अलग थानों में जमातियों के खिलाफ 29 और केस दर्ज हुए थे, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर एक साथ साकेत अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था। इनमें से कुछ मुकदमों को खारिज करने की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, इसीलिए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इन अर्जियों के निपटारे होने तक कोई भी आदेश देने से मना किया हुआ है। तबलीगी जमात की वकील आशिमा मांडला के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्ली बार्गेन के तहत जमात के लोगों ने करीब 55 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट में जमा किए हैं। इनमें से करीब 20 लाख रुपए PM केयर फंड में जमा किए गए हैं। मरकज में इन दिनों क्या चल रहा है? अभी यह पूरी तरह से खुला नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने निजामुद्दीन मरकज को खोलने की मांग को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की हुई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। हाल ही में बुधवार को ही सुनवाई में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि रमजान को देखते हुए निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों की नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह भी तब अनुमति दी जा सकती है जब उन व्यक्तियों के नाम इलाके के SHO को दिए जाए, यानी कि जो 50 लोग वहां नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनके नाम पहले से दिए जाए। इन 50 लोगों का चयन वक्फ बोर्ड कर सकता है। अब इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होनी है और 13 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। पिछले साल 31 मार्च को पुलिस ने लॉकडाउन और कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में मरकज को सील किया था। इस तरह से निजामुद्दीन के मरकज को कुछ शर्तों के साथ थोड़ी सी राहत दी गई है। नमस्कार, आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ।